दिखेगा सदा तो बड़का बड़का फिर तरह निकल गया है। देखें छाता जैसे कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है, लंबा लंबा। वाह इधर भी देखिए बहुत ढेर सारा निकल गया है। चले एक एक करके खोलते हैं, खोल के निकलते हैं। कुमार बोलो कौन सभी को प्यार भरे नमस्कार दोस्तों, सब कैसे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब सब बेची ही होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम व्यस्त होंगे। दोस्तों सुबह 6 बज रहा है दोस्तों, सुबह सुबह हम जा रहे हैं अभी मशरूम को देखने के लिए। मशरूम अगर निकल गया है तो अभी जा रहे हैं सुबह सुबह जा रहे हैं दोस्तों। पहुँच गए दोस्तों। हाँ दोस्तों इधर मिल गया है दोस्तों, देखिए क्या है बड़ा सा निकल गया है। और इधर भी क्या मोटा मोटा फूट गया है। देखिए दोस्तों एक ही जगह चार पांच गो है, देखिए पाँच छः गो, क्या मस्त फूट गया है बड़का सा। इधर भी है तो कोड़ रहे हैं। क्या है बड़ा पड़ा देखिए, क्या लंबा निकल गया दोस्तों। तो और बड़ा देखिए इतना लंबा। देखिए दोस्तों इधर तो बड़का बड़का फिर तरह निकल गया है। देखें छाता जैसे कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है, लंबा लंबा। वाह इधर भी देखिए बहुत ढेर सारा निकल गया है। चलिए एक एक करके खोलते हैं, खोल के निकलते हैं। वाह क्या बड़ा बड़ा है। कितना लंबा निकल गया दोस्तों। इधर भी खोल लेते हैं। दोस्तों एक एक करके उठा रहे हैं, देखिए क्या लंबा लंबा। वाह कितना मोटा मोटा। और इधर देख लेते हैं यहीं पे बैठा है दोस्तों, इसको भी खोल लेते हैं। जैसे इतना सारा हो गया दोस्तों, देखिए एक पीछा हो गया, इतना ढेर ढेर सारा निकल गया दोस्तों। इतना सारा मिल गया दोस्तों, जा रहे हैं। तो घर पहुंच गया दोस्तों, मशरूम को लेके। दोस्तों मशरूम को धोने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, कुआं सारा मशरूम को डुबा रहे हैं पानी में।
सब तो नहीं डूबेगा, एक एक करके धोना पड़ेगा। अच्छा से धो लेते हैं मिट्टी सबको, एक बार साफ कर लिए दोस्तों, और फिर एक से अच्छा पानी से धो लेते हैं और एक बार तो साफ कर लिए मिट्टी सबको, सब हटा दिए और अच्छा पानी से धो लेते हैं और एक बार, एक एक करके पानी में डुबा रहे हैं अभी। अभी अच्छा पानी से धो के निकल रहे हैं दोस्तों एक एक करके। पूरा अच्छा से साफ किए, देखिए क्या मस्त लग रहा है अभी। ठीक है दोस्तों निकाल लेते हैं, पूरा अच्छा से धो लिए दोस्तों, सारा उठा लिए पानी से, सो घर लेके चलते हैं। पीस बना रहे हैं दोस्तों एक एक करके, देखिए क्या मस्त कट आता है रिचुक रिचुक करके। इसका मुंडीट को दो फड़ा कर देते हैं, सारा मशरूम काट लिया दोस्तों, एक प्लेट हो गया, देखिए ढेर सारा हो गया एक प्लेट, इस सबको फेंक देते हैं दोस्तों। अगुन जल गया दोस्तों, कढ़ाई को चढ़ा देते हैं, 5-10 मिनट छोड़ देते हैं गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो गया दोस्तों, तेल को डाल रहे हैं, दोस्तों तेल को गर्म हो गया दोस्तों, प्याज को डाल रहे हैं, हल्का से चला दे रहे हैं, देखिए दोस्तों प्याज को अच्छा से भून लिए, थोड़ा लाल हो गया, और मशरूम को भी डाल रहे हैं अभी, प्लेट हो गया, एक कढ़ाई हो गया दोस्तों, मशरूम को भी चला दे, पूरा भर गया, दोस्तों मशरूम का सारा पानी टान लिया दोस्तों, सारे मसाला सबको लगाएंगे, मसाले बांट के रखे हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लगा देते हैं, मसाला सब अच्छा से भून लेते हैं, देखिए दोस्तों मसाला सब अच्छा से भून लिए, और थोड़ा सा पानी लगा देते हैं उबालने के लिए, नमक लगाना भूल गए दोस्तों, थोड़ा सा नमक भी लगा देते हैं, नमक को चला के मिला देते हैं, तो सब्जी को जला के देखते हैं। हाँ दोस्तों हो गया, क्या है जाके इधर सब्जी बन गया, मशरूम का सब्जी उतारेंगे, दोस्तों खाना खा रहे हैं दोस्तों, चावल है और आज को मशरूम सब्जी ज़्यादातर मिला है, देखिए ढेर सारा, सब्जी को टेस्ट कर लेते हैं क्या है, बड़ा बड़ा पीस,
एक नंबर ठेस। चावल के साथ खा लेते हैं, खा के देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार दोस्तों खाना खा लिया दोस्तों। आज का चावल था और मशरूम का सब्जी बनाए थे, बहुत ही टेस्टी सब्जी दोस्तों। और ब्लॉग को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।